दोस्तों जब बात आती है रेत की तो रेत तो बहुत सारी तरह की होती है जो कि अलग अलग नदियों में पाई जाती है, लेकिन नदियों के अलावा भी रेत हमारे इस इंडस्ट्री में यूज होती है। तो क्या जानना चाहोगे आप तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आज इसी टॉपिक पर जो कि होता है रेत के बारे में। सबसे पहले रेत आती है रिवर सैंड। डिफरेंट टाइप्स के रिवर से अलग अलग सैंड मिलती है, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वो है रिवर सैंड। अब ये रिवर सैंड इजीली अवेलेबल है, एक्सकवेट कर सकते हैं हम रिवर से, और साथ में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में चाहे कंक्रीट में हो, मोर्टार में हो या प्लास्टिक वर्क में हो, हम इजीली रिवर सैंड को यूज करते हैं। इसके बाद दूसरा सैंड आता है क्रश्ड स्टोन सैंड। देखिए क्रश्ड स्टोन सैंड एक बाय प्रोडक्ट है जब हम क्रशिंग करते हैं स्टोन्स की, और साथ में दोस्तों ये एक सब्स्टिट्यूट मटेरियल है आपके रिवर सैंड का, और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है कंक्रीट के लिए या फिर पेविंग मटेरियल्स के लिए जनरली हम यूज करते हैं क्रश्ड स्टोन सैंड का। उसके बाद जो सैंड आता है वो है आपका पिट सैंड। देखिए पिट सैंड जनरली हम क्या करते हैं, ग्राउंड से डगअप करके जो सैंड मटेरियल हमें मिलते हैं वहां उस सैंड को हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए लेकिन इसको ना कंक्रीट मटेरियल या पेइंग लेइंग के लिए हम यूज नहीं करेंगे, इसको हम यूज कर सकते हैं प्लास्टरिंग पर्पस के लिए, इसको यूज कर सकते हैं ब्रिक लेइंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये होता है आपका पिट डगआउट सैंड। इसके बाद जो बात आती है वो आती है एम सैंड। देखिए एम सैंड का मतलब होता है मैन्युफैक्चर्ड सैंड। मैन्युफैक्चर्ड सैंड को जनरली क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं हमारे, रॉक्स में क्वेरी स्टोन हो सकते हैं, बड़े साइज के एग्रीगेट्स हो सकते हैं, जब इनका हम क्रशिंग करते हैं और क्रशिंग करके पार्टिकल्स को सैंड के साइज तक लाया जाता है तो इस सैंड का नाम पड़ जाता है मैन्युफैक्चर्ड सैंड। इसको भी जनरली हम अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज करते हुए हैं, जिसका नाम है एम सैंड। अब बात आती है एक ऐसे सैंड की जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तो यूज नहीं करेंगे लेकिन इस दुनिया में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। यह है आपका डेजर्ट सैंड, जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है। देखिए यहां रेगिस्तान के जो सैंड होते हैं इसको जनरली हम यूज नहीं करते अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, क्योंकि इसके जो पार्टिकल साइज होते हैं बहुत ज्यादा राउंड होते हैं। राउंड होने की वजह से बॉन्डिंग नहीं बना पाता, और बॉन्डिंग नहीं बनाने की वजह से हम इसको किसी भी तरह से, चाहे प्लास्टरिंग में हो, ब्रिक लेइंग में हो या फिर आपके कॉन्क्रीट आइटम में हो, इसलिए डेजर्ट सैंड को यूज नहीं करते हैं। साथ में दोस्तों डेजर्ट सैंड जो होता है इसमें भारी मात्रा में सॉल्ट मिला होता है, जो कि सॉल्ट आपके स्टील मेंबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंक्रीट के साथ हम इसमें लगाएं तो स्टील मेंबर्स के साथ रिएक्ट कर सकता है और फिर से आपको कोरोजन जैसी समस्याओं को प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों पांच तरह के सैंड के बारे में जाना हमने, जिसमें सबसे पहला था रिवर सैंड, दूसरा था क्रश स्टोन सैंड, तीसरा था पिट डगआउट सैंड, चौथा था हमारा एम सैंड, और द लास्ट वन इज डेजर्ट सैंड। आप लोग मुझे बताएं आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इनमें से कौन सा सैंड यूज करवाया है या किया है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसके बारे में जरूर बताएं। और सबसे ज्यादा जो वाइडली यूज्ड हो रहा है हमारे इस इंडस्ट्री में वो ऑब्वियसली रिवर सैंड है। और दोस्तों रिवर सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग साइज में अलग अलग हमें मिलते हैं, जिसके लिए IS कोड 383/1970 ने हमें स्पेसिफाइड करा है अपने टेबल के जरिए जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। चारों ही जोन के जो सैंड होते हैं बेसिकली ये अलग अलग काम के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि बोला जाता है कि जोन 3 के जो पार्टिकल्स हैं वो कंक्रीट करवाने के लिए सबसे बेस्ट अनुकूल सिचुएशन में होते हैं, इसलिए जोन 3 को यूज करना चाहिए। मेरा आप सभी लोगों से सवाल है जोन 1, जोन 2 और जोन 4 का सैंड किस जगह पे, किस कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने बिना नहीं जाएगा, और उन सभी लोगों को शेयर करो जिनको इन पांचों तरह के सैंड में डिफरेंस चाहिए होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो को लेकर आ गया। नेक्स्ट वीडियो क्या सुनना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।